पहले ही से ही हम लोग कहते रहे हैं कि जो इस देश में प्रतिपक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी के आंख में आंख मिला करके उनको चुनौती देता है, उसके खिलाफ सीबीआई ईडी और आईटी का इस्तेमाल निरंतर होते रहता है। और हमने पहले ही अभी भी कहा है कि कब, जब देश में समान विचारधारा वाले दलों के एका के दिशा में बढ़ता हुआ कदम का नेतृत्व बिहार जब करने लगा है और ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो एक बौखलाहट देश की हुकूमत में आई है और उनको भी पता है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो इस बाबत जो कार्रवाई की जा रही है, अब सीबीआई के अधिकारी तो उनके मातहत है, कोई भी अधिकारी होगा तो अपने आका का आदेश का अनुपालन तो स्वाभाविक रूप से करेगा। तो मैं तो मानता हूँ कि देश की हुकूमत में जो लोग हैं और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, देश की जनता और बिहार की जनता बहुत बारीकियों से इन चीजों को समझ रहा है। और ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के पश्चात लौटे हैं, थोड़ी सी सक्रियता, हल्की सक्रियता उनकी एक बढ़ी, एक कार्यक्रम में उन्होंने जुड़ा वर्चुअली, उसके बाद देश के हुकुम जो हुकुम देने वाले लोग हैं, देश में जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो इतना भयभीत हो चुके हैं कि ऐसे फेस्टिवल जहां बिहार में होली का त्योहार हो, जहां मीडिया से लेकर के हर व्यक्ति होली के इंतजाम में लगा रहता है, और उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले चेहरे का प्रदर्शन किया है एजेंसियों के माध्यम से, और ये जनता इसका माकूल जवाब 24 में देगी। ये पहली घटना है कि जिस डिपार्टमेंट में आप ये कह रहे हैं, आप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं करप्शन, वो डिपार्टमेंट अभी तक इस बात को स्वीकारा नहीं कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर में किसी प्रकार का करप्शन हुआ है। लीगल विंग ने भी ये नहीं माना था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के कारण अब अधिकारियों की मजबूरी है, जो बैठे हैं पीएमओ में बैठे हैं, उनके मातहत काम करने हैं, तो आज संस्थाओं का जो दुरुपयोग है सब कोई देख रहा है। और मैं एक बात खुले मन से कहना चाहता हूँ, कोई अमृत पी करके नहीं आया, ये दुनिया, ये प्रकृति सबका इंतजामात करती है, जो आए हैं वो जाएंगे, जो बना है जो बिगड़ेगा, यही यही सत्य है। और ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई लकीर नहीं खींचनी चाहिए जिन लकीरों पर आने वाले कल में कोई दूसरा कुर चलने की कोशिश करे, यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता। देखिए, सवाल है कि महागठबंधन का एका और बिहार ने साफ शब्दों में कहा कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, और पूरे मीडिया और एक एक जनता जानते हैं कि बिहार में खाता बीजेपी की नहीं खुलेगी, तो भय का माहौल बीजेपी में व्याप्त है। उसको ये पता नहीं है कि होली है कि दिवाली है, वो सब कुछ भूल जा रही है और वो बिलो द बेल्ट एक्शन में चली जा रही है, जिसको कोई भी आवाम स्वीकार करने के लिए बिहार की जनता तैयार नहीं है। देख सकते हैं कि आरजेडी के प्रवक्ता है शक्ति यादव और लालू यादव के परिवार के काफी करीबी हैं शक्ति यादव, और शक्ति यादव ने जिस तरह से कहा कि ये जो है एक साजिश के तहत जो है इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन अपने हम दर्शकों को बता दें कि 15 तारीख को जो है लालू परिवार को पेश होना था जिन लोगों का नाम था, और राबड़ी देवी ने साफ तौर पर सीबीआई से जो है अनुरोध किया था कि उनको जो है वो सीबीआई कोर्ट जाने में जो है सक्षम नहीं है, तो उनसे जो है पूछताछ जो है आवास में ही किया जाए, तो आवास में जो है पूछताछ करने सीबीआई आई हुई है। लेकिन जिस तरह से शक्ति यादव ने कहा कि परेशान किया जा रहा है, होली और दिवाली हो, खास करके कोई भी पर्व हो, उससे पहले जो है लेकिन उपेंद्र महज से प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है, 15 मार्च को पेश होना था, राबड़ी देवी ने असमर्थता जताई थी, उसके बाद यहां पर जब सीबीआई की टीम पहुंचती है और ऐसे में शक्ति यादव का ये स्टेटमेंट आना कि ये महज 2024 के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है सीबीआई में, और यही वजह कि सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है।
देखिए ये शक्ति यादव ने कहा है, शक्ति यादव ने यहाँ तक कहा है कि ये जो है प्रेशर इसलिए कहीं ना कहीं बनाया जा रहा हो कि नीतीश कुमार जी जो है वो फिर जो है एनडीए के तरफ जो रुख कर दे। तो तमाम चीज़ें हैं, विपक्ष है और जहां तक बिहार के केंद्र में जो है आरजेडी एक तरह से विपक्ष है, तो बिहार में सत्ताधारी पार्टी है और जिस तरह से सीबीआई के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है, सीबीआई पहुँची हुई है, तो आरोप जो है लगाना जो है वो आरोप लगाया जा रहा है। और अब